Hello students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class of English. Pele daffodils ame online re paatha padi sari che aguru aji ame dekhiwa jemti ame text ku pura dekhi dekhi ki padiwa aji mobile screen upar dekhi dekhi ki text ku padiwa. So let's start the poem. Plus 2 second year art science commerce vocational so pila manko pai poem ta. So let me tell you one thing, good jinsa koi bhi tumhe jadi more dekhucho, just subscribe the channel, press the all notification button that you can get the videos and notification being published by Master of English. So let's start. So the poem Daffodils, and it's written by William Wordsworth. Kaha dwara lekha aichi eta? William Wordsworth. Yes or no? It's written Daffodils. So daffodils कोयले कौन अपिले? Daffodils होचे, it's a yellow bell-shaped flower. गोटे हलदिया घंटी आकाररो फूलो. आ daffodils टा. तो वर्तमान आमे देखिबा introduction of the poet. कविंग को introduction भी देखिबा. कविंग कर विषय रे धारणा टिके पाइबा आमे. William Wordsworth was born in the year 1770. 1770 मसीहा रे जन्म ग्रहण करथिले से. अब 1850 मसीहा रे से मृत्युवरण करथिले. इज वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ हिज टाइम. मेजर मेजर कहले कोन पिले? मेजर कहले होची मुख्य. मेजर कहले मुख्य पोएट्स ऑफ हिज टाइम. तांको समय रो कवि मानन क भितरे जणे विशिष्ट कवि थिले. ही वाज ऑनर्ड. ऑनर्ड कहले कोन? ऑनर्ड कहले तांको सम्मानित करा जायथिला. ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट. पोएट कहले आम समस्त जानिचु कवि बोली कि लॉरेट कहले सम्राट. तो तांको समय रो कवि सम्राट भाव रे तांको माने सम्मानित करा जाए सम्मानित करा जायथिला. ही डिफाइंड पोएट्री. पोएट्री कहले कविता आम जानिचु. डिफाइंड कहले संज्ञा. कविता रो संज्ञा निरूपण तांको अनुसारे व्हाट स्पोंटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. पहले स्पोंटेनियस कहले कोन रे? स्पोंटेनियस कहिले स्फूतपूर्त. कौन स्फूतपूर्त माने ऑटोमेटिक जोटा. ओवरफ्लो. ओवरफ्लो कहिले बाहरीबा. पावरफुल फीलिंग्स. पावरफुल फीलिंग्स शक्तिशाली भावना. पावरफुल कहिले शक्तिशाली. मनुष्य भितरे जो स्फूतपूर्त पावरफुल फीलिंग्स सब अच्छी. पावरफुल फीलिंग्स सब अच्छी कौन हम arising from जेतेबेले सेटा arise. arise कोले कोन? arise कोले नॉर्मली उठिबा. एटी arise कोले बाहरीबा. कुठ बारे? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्युलिटी. इमोशन कहिले? इमोशन कहिले भाव प्रवणता. इमोशन कहिले कोन? भाव प्रवणता. रिकलेक्टेड. रिकलेक्टेड कहिले संग्रहित हेइथिबा भावना. इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्युलिटी. पिले ट्रैंक्युलिटी कहिले कोन? पीसफुलनेस. शांत. एलोननेस. हैं कंटेंटेड. तो जहाँ कोई परिवो तो एठी कौन कुआ रही थी? कभी मनो जेते बड़े शांत थाए अस्थिर न थाए. जेते बड़े शांत थाए सेते बड़े तो कभी रो मनो रू जो निर्जास हुए स्वतःपूर्त भाव रे जो भावना टा जागृत हुए और उसी भावना रो रूप ही कविता बोली तंका भावना रे कहा जाए. ही इज ए पोएट ऑफ नेचर. आउ कौन? ही इज ए पोएट ऑफ नेचर. से जो प्रकृति कवि. नेचर कहले प्रकृति. जी जो कवि माने नेचर विषय लेखती से मानक पोएट ऑफ नेचर बोली कह जाए. एंड यूज कॉमन वर्ड्स. एंड यूज यूज कहले कौन? व्यवहार करती. कौन? कॉमन वर्ड्स. साधारण शब्द गुड़िकर व्यवहार से करती. माने बड़ बड़ शब्द सब व्यवहार करती ना साधारण शब्द सब से व्यवहार करती. टू एक्सप्रेस हिज फिलिंगस. तांको मनर भावना व्यक्त करिबा पई से कोन करंती? साधारण शब्द सब प्रयोग करंती. ठीक अछि. परवर्ती पैराग्राफ को हमें जीवा एबे. परवर्ती पैराग्राफ रे हमें देखिबा कोन अछि वार्म अप सेक्शन रे. एथि कोन अछि पिले? एथि अछि दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स. इनकॉर्पोरेट्स कहले कोन रे पिले? इनकॉर्पोरेट्स कहले डील्स इन माने संयोग करिछि उपस्थापना करूछि. द आइडियाज. आइडियाज कहले भाव. एंड एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट्स कहले उपादान. एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री. एसेंशियल कहले
आवश्यक रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री कहले कौन ये रोमांटिक कहले नॉर्मली प्रेम संबंधित कविता रोमांटिक कहले किंतु इति रोमांटिक कहले आम ना कल्पना जनित कविता तो कवि कल्पना रे से कविता को लिखिंट द पोएम इनकॉर्पोरेट द आइडियाज ऑफ एस्पेक्ट एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री। कल्पना सम्माहित जो कविता सब अच्छी प्रेम सम्माहित कविता जिते अच्छा से कवितार उपादान गुड़ी ए कविताटा संयोग कर फील्ड ऑफ डेफोडिल्स। कौन द फील्ड ऑफ डेफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। तो ये कवितार सब्जेक्टा कौन फील्ड ऑफ डेफोडिल्स। डेफोडिल्स जो येलो बेल्स फ्लावर अच्छी तार जो पड़ियाटा एविडेंटली कहले क्लीयरली एविडेंटली कहले क्लीयरली द सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। सब्जेक्ट कहले तार कर्ता ये कवितार मुख्य सब्जेक्ट कहले चीफ कहुई तो ये कवितार मुख्य कौन यस डेफोडिल हूँ ये कवितार मुख्य। मेकिंग नेचर द मोस्ट अपारेंट फीचर थ्रू आउट। आ कराई ची मेकिंग नेचर नेचर को प्रस्तुत कराई ची प्रकृति को प्रस्तुत कराई ची को हिसाब रे द मोस्ट अपारेंट अपारेंट कहले क्लीयर अपारेंट कहले क्लीयर फीचर फीचर कहले कौन रही फीचर कहले उपादान थ्रू आउट माने कविता सारा पूरा होल कवित थ्रू आउट द पोएम द पोएट हैज यू नो मेड इट वेरी क्लीयर दैट नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कवितार प्रकृति उपादान गुड़ी को से फीचर करिचंती प्रस्तुत करिचंती आम सामने। वर्ड्सवर्थ एड्स ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेज। वर्ड्सवर्थ कवि एड्स संजोग करिचंती ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेज प्राकृतिक छवि बहुत गुड़ाए प्राकृतिक छवि से आंकिचंती रेंज ऑफ नेचुरल इमेजेस सचेज कौन कौन सब जेभल कि लेक्स ह्रद ट्री गच्छ स्टार्स तारा एंड इवेन क्लाउड्स एभल कि क्लाउड्स मेघ इन द पॉइंट तो स्टार्स ये सब जिनस कौन कौन लेक्स ट्रीज स्टार्स क्लाउड्स ये सब प्राकृतिक उपादान को से व्यवहार कर थ्रू नेचर प्रकृति साहय थ्रू नेचर ए ट्रैंक्विल मूड। ट्रैंक्विल मूड कहले कौन पे एक शांत भावना गोटे हापी मूड इज इनस्टांटली क्रिएटेड इनस्टांटली सांगे सांगे इनस्टांटली कहले सांगे सांगे क्रिएटेड सृष्टि कराई फ्रम द भेरी फास्ट लाइन प्रथम लाइन रु ही प्रकृति को लेकिन कवि कौन कर गोटे ट्रांक्विल मूड गोटे हापी मूड मनुष्य खुशी भावना को व्यक्त कर आई वंडर्ड वंडर्ड कहले कौन पे वंडर्ड कहले लक्ष्यहीन भाव में बुलवा लोनली लोनली कहले एकाकी एज ए क्लाउड मेघ भाया मु एकाकी बुलू प्रथम लाइन रे लिखाई द एटमोस्फियर यार जो परिवेश अच्छी द एटमोस्फियर यार जो परिवेश अच्छी ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल पीसफुल कहले शांत पीसफुल कहले शांत एंड द यूज ऑफ नेचर प्रकृतिर व्यवहार यूज ऑफ नेचर कहले क्रिएट्स सृष्टि करुची ए जॉयफुल सेटिंग जॉयफुल सेटिंग जॉयफुल सेटिंग कहले कौन आनंददायी परिवेश जॉयफुल सेटिंग कहले आनंददायी परिवेश सृष्टि करुचे। नॉट अंटिल द पोएट लेटर म्यूजिस अबाउट व्हाट ही सॉ डज ही फुल्ली एप्रिशिएट द चीयरफुल साइड ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स। नॉट अंटिल से पर्यंत नुहे जो पर्यंत द पोएट लेटर पर कौन कर म्यूजिस म्यूजिस कहले कौन पे थिंग्स माने प्रड्यूस प्रस्तुत करवा म्यूजिस अबाउट व्हाट ही सॉ जहाँ से देखी डज ही फुल्ली एप्रिसीएट एप्रिसीएट कहले प्रशंसा करवा से जिनस को प्रशंसा कर चीयरफुल साइट ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स चीयरफुल साइट आनंददायक दृश्य साइट कहले दृश्य चीयरफुल कहले आनंददायक ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स से नाचुवा डेफोडिल्स मानकर सो स्टडी द पोएम एंड नोट हाउ वर्ड्स आर ग्लोरीफाइज ग्लोरीफाइज कहले माने जशगान करिवा द ब्यूटी ऑफ नेचर इन इज सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड कहले एकाकित्व सॉलिट्यूड कहले एकाकित्व। वर्तमान जीवा में पोएम भीतर ठीक अच्छे सो लेट्स गो टू द पोएम।
I wonder, the poem, the first stanza of the poem is like this. I wonder, lonely as cloud, what happens? Yeah, I wonder, lonely as cloud that floats on high over vales and hills. That floats on high over vales and hills. I wonder, kabhi lekhi chanti thi, prathama line re. I wonder, mulakshen vabre buluthai, lonely ekaki, as a cloud, megha vali, ki vali buluthai re pile. How was I wondering? I was wondering, lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. That floats, floats koile bhashiba, bhashaman avastha. High over vales, high koile, high over koile, uccha. Ko upare, upare, ko upare, vales, vales koile, upatyaka. Hills koile, pahada. So, jevali, konko ichanti se, I wonder lonely as a cloud, mu megha valiya ekaki buluthae. Jemti meghota, kon kare, that floats on high over vales and hills, upatyaka o pahado upare jevi dei jemti megha bule, mu bi sei valiya buluthae ekaki. When, acha ethi megho bisoyre kahi ki kuha jaichi bile, karano megho bi lakshyahina bhabre buluthae, kouti se barsha kariba tara nirdishta destination na thae. To sheti pai ethi meghara barnana karaichi. When all at once, when all at once, sete bele all at once, suddenly, all at once kahile, suddenly, I saw, mu dekhili, a crowd, ethi crowd kahile, crowd ta gote collective noun, normally loko manaku pai byabohar hue, kintu ethi crowd ta ka pai byabohar haichi, yes, group of daffodils pai byabohar haichi. So I saw a crowd, a host, host bhi kaha pai byabohar haichi, host word is also used for daffodils, daffodils manaku pai host ta byabohar haichi, host kahile dole. A host of golden daffodils kahile kono suna rangoro daffodils jete bale mu gote group bahut guda hai kon dekhile host of golden daffodils beside the lake beneath the trees koti dekhili where did I see the daffodils beside the lake beneath the tree ama janiche beside kahile kono parshore by the side of is beside beside the lake lake ra parshore beneath the trees beneath kahile kono by underneath is called beneath to tale beneath the trees rodoro kodore ebong kuti gachhara tale mu kon dekhili yes a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze fluttering and dancing in the breeze semane kon karuthile fluttering semane munda tungaruthile semane holuthile who were fluttering yes the daffodils were fluttering flutter kahile kon pile mundo tungariba mundo ku mundo bajiba pavan ra dholiba to kemti kahi ki je mane dholuthile because of breeze pavan houthla kon houthla pavan houthla au it is considered as dancing kon dancing pile idi gote jinsa mane rakhiba eti personification mane purusho hisab re yaku byabohar karchanti kabi so jodi if there might be a question, but it is a question as a the kabhi whether daffodils are considered or used as personification. You can quote this line, to my line da behar kari paribo. To pile aji pai ei video pai etike thau au paravarti video re ame baki sabu stanza dekhiba kote stanza re dekhile bahut hoi jibo. Okay, thanks for watching. Bye bye.